नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। झारखंड में आज पांचवें और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि अंतिम चरण से पहले ही बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच कानूनी जंग तेज हो गई है। दरअसल गुरुवार को बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पाकुड़ में एक चुनावी सभा के संबोधन के क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर बीजेपी अब निर्वाचन आयोग पहुंच गई है। सोरेन ने अपने बयान में कहा था कि आज हमारे देश में बहु बेटियों को जलाया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही है। मुझे पता चला है कि इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी भी चक्कर लगा रहे हैं। गेरुआ वस्त्र पहनकर ये वो लोग हैं जो बीजेपी के लोग जो शादी कम करते हैं, लेकिन गेरुआ पहनकर बहु बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं। भगवा पहनने वाले महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं। बीजेपी की शिकायत पर झारखंड के सीईओ विनय कुमार चौबे ने बताया कि हमने पाकुड़ और साहिबगंज के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से रिपोर्ट और बयान की सीडी भेजने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने भी सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। हेमंत सोरेन के इस बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में सोरेन पर हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि इस रैली के मंच पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने सोरेन को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है कि उनकी भी इस बयान में सहमति थी। बहरहाल चुनाव की आज अंतिम चरण का मतदान है, पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। वहीं 23 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। जिस तरीके से सीएए का विरोध पूरे देश में बवाल मचा रखा है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी की सरकार को हार मिलेगी। बाकी पासा पलटने में किसी भी पार्टी को टाइम नहीं लगता, जैसा कि अब तक बीजेपी के राज में होता आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।